अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल। मैं राजो के बिजनेस की दौड़ में आगे बढ़ना चाहती है, मुबशरा से बहुत आगे, और ती आगे बढ़ने की जिद में शायद वो जैद को खो रही है। उसे अंदाजा ही नहीं कि वो क्या पाने के लिए क्या चीज खो रही है। जैद जो कि उससे दूर होता जा रहा है और आयरा को इस बात की समझ ही नहीं आ रही। आयरा शायद ये नहीं जानती कि जैद के पास तो पहले से ही दूसरी ऑप्शन मौजूद है, और जैद ने ऐसा ही किया। जब आयरा रात को ऑफिस से नहीं आई तो जैद मुबशरा के पास चला गया, वहीं टीवी देखा और वहीं सो गया। और जब आयरा ने आकर उसको उठाने की कोशिश की कि चलो अपने कमरे में चलते हैं, तो जैद ने ये कहकर टाल दिया कि ये भी तो मेरा ही कमरा है। आयरा भी गुस्से से वहां से चली गई। आयरा को क्या पता कि वो मुबशरा के करीब कर रही है जैद को। जहां पर रही प्रोजेक्ट के बाद जिसकी ये सारी दौड़ चल रही थी, तो प्रोजेक्ट आयरा को ही मिला। आयरा की कंपनी को प्रोजेक्ट तो मिल गया, जिस पर जैद को बहुत ज्यादा शदीद गुस्से अमल का इजहार करते हुए हमने देखा। चाहे मर्द और औरत कितनी ही तरक्की कर लें, लेकिन मर्द की अना कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी बीवी उससे आगे चले जाए, चाहे मर्द कितना ही लिबरल क्यों ना हो। यही देखा हमने इस एपिसोड में भी। जैद जैसे ही उसको पता चला कि प्रोजेक्ट आयरा को मिला है, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा पाया और वहां से चीजें फेंकना शुरू कर दी और मुबशरा के रूम में चला गया। मुबशरा के लिए तो ये सब किसी गोल्डन चांस से कम नहीं। वो तो पहले ही चाहती थी कि जैद उसका होकर रहे, और आहिस्ता आहिस्ता आयरा उसको अपने से दूर कर मुबशरा के करीब करती जा रही है। मुबशरा तो आगे इससे भी कुछ बड़ा सोच रही है और फोन पे यही किसी से बात कर रही है कि आयरा एक बहू की वजह से आसिफ साहब का सर झुक गया, और दूसरी बहू की वजह से ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि उनका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। आखिर क्या करने लगी है आयरा जैद और आसिफ साहब के दिल में अपनी जगह पाने के लिए? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। इन साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बा आसानी पहुंच सके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।